नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको JSSC पंचायत सचिव LDC स्टेनोग्राफर का जो एडमिट कार्ड का रिलेटेड जो भी डाउट है, बहुत लोग ने मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर ग्रुप में मैसेज किया है कि JSSC का एडमिट कार्ड आ गया है और सब डाउनलोड कर रहे हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो सारे कुछ इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है, सब कुछ मैं बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि आप JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे JSSC.NIC.IN पे, तो जैसे आप जाओगे तो आपको जाना है नीचे के सेक्शन पे। आप देखोगे वो कभी भी आपके JSSC का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले वो न्यू जो सेक्शन है इसमें आपका यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू में आपका आ जाता है। देखिए, हम व्हाट्स न्यू पे हम ओपन कर लेते हैं, क्या आता है नहीं आता है आप देख लीजिए खुद से, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा हम लोग का नहीं आया है नोटिस या फिर न्यूज़ कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। देखिए, लास्ट जो आपका जो आया था ये नोटिस वगैरह सब, वो जो है आपका प्रीवियस नोटिस वगैरह सब है, देख सकते हैं। इसमें कोई भी नोटिस नहीं है आपका एडमिट कार्ड के रिलेटेड, तो ये ऑफिशियली तक से एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर भी सारे कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कैसे जो भी डाउनलोड कर रहे हैं लोग वो भी कैसे कर रहे हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिए, लेकिन ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जब अभी जो JSSC का जो वेबसाइट है यहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, JSSC का वेबसाइट पे मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, तो अभी डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा दिल को सुकून मिल जा रहा है कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड, लेकिन अभी सारे लोगों का अपडेट नहीं हुआ है एडमिट कार्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्या हो गया है कि ब्लैंक आ रहा है, जो एडमिट कार्ड है वो ब्लैंक आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे वो करना, अगर आप चाहते हैं देखना अभी भी फिर भी, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे जाना है, इसके बाद आप होम पे चल जाइए, JSSC के होम पेज पे, वहाँ पे आपको जाने के बाद क्या करना है, आप देखोगे एडमिट कार्ड का एक सेक्शन होता है, ठीक है। लेट हो रहा है ओपन होने में, एक्चुअली ओपन हो चुका है। देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स में, देखिए यहाँ पे आपका एक एडमिट कार्ड का यहाँ पे लिंक शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस एडमिट कार्ड के लिंक पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही जाओगे तो देखिए ये पुराने वाले का है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका डिटेल्स में, यहाँ डिटेल्स में आप क्लिक करो एडमिट कार्ड लिंक फॉर द स्किल टेस्ट ऑफ ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे एक नए वेबसाइट पे जाओगे, एक्सटर्नल वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और लॉगिन करना है, तो आपका एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होके निकल कर आ जाएगा। देखिए, मैं बहुत सारे का एडमिट कार्ड कैसे ब्लैंक आया है क्या आया है मैं सब आपको दिखाऊंगा, तो देखते रहिए, ठीक है। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिए और लॉगिन कीजिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये किसी का एडमिट कार्ड ये है, ठीक है जी। इस एडमिट कार्ड में देखिए ये इनका जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम है, और 6 तारीख के डेट में ही आपका सारा एग्ज़ाम हो रहा है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट, स्टेनोग्राफर टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश, मतलब ये चारों टेस्ट एक ही दिन में होगा। सबका टाइम यहाँ दिया हुआ है 3 PM, 1 PM, 7 PM, ये 9:30 AM, ठीक है, जो भी दिया हुआ है आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इस बार क्या किया गया है कि आपका जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट है वो सुबह रखा गया है, इसलिए रखा गया है, कारण है कि बहुत लोगों ने स्टेनोग्राफर पोस्ट भरा नहीं है, तो वो लोग पहले आ जाके दे सकते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं है वो सुबह आने की इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए ये तो आपका हो गया जिनका आ गया है एडमिट कार्ड में, और ये सारा कुछ है। देखिए, आपको मैं एक ऐसा कैंडिडेट दिखाता हूँ जिनका एडमिट कार्ड में कुछ नहीं, ब्लैंक आ रहा है। देखिए, ये देख सकते हैं, ये इनका एडमिट कार्ड है, जिस कैंडिडेट का भी एडमिट कार्ड है आप देख सकते हैं इसमें पूरा टोटली ब्लैंक है, ठीक है। देखिए, पूरा ब्लैंक है एडमिट कार्ड, तो देख सकते हैं कि अभी एडमिट कार्ड आपका फुल्ली अपलोड नहीं हुआ है, मतलब कि अभी JSSC के जो वेंडर हैं, जो भी वेंडर हैं साउथ के जो वेंडर हैं उनको दिया गया है, वो अभी अपना अपडेट कर रहे हैं, तो वेट कर लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मेरे चैनल में आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, आप फिर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम आराम से दीजिए। अभी आप बकाने की ज़रूरत नहीं है, अलग झूठ मूठ का इतना सब बेकाबू हो रहे हैं। अभी JSSC का जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसे प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्ज़ाम ऐसे आपको चेक करना है कि आपका कब एग्ज़ाम होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, बट ऑफिशियली जब तक नहीं आता है कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है, अगर चेंज हो जाता है तो फिर आपको दुखी होगा कि चेंज हो गया, इसलिए वेट कर लीजिए कुछ दिन, आपको नोटिफिकेशन आज या कल में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको उसमें डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा।
तो इतना आपको अगमगाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये किन्हीं का है, ये इसमें देखिए, ये हैं, इनका एग्ज़ाम है 5 तारीख को, ठीक है। पाँच तारीख को इनका एग्ज़ाम है, सारा एग्ज़ाम 5 तारीख को है, देखिए, ठीक है। तो इस समय आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और जैसा भी कोई भी वो क्वेरी है अभी भी JSSC के स्किल टेस्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है क्या? भाई कंप्यूटर प्रोफेंसी कुछ नहीं है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, जो कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह का टेस्ट है। अगर आपको ये सब का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।